हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। इसी भाव के साथ दोस्तों, समय समय पर हमारे कुमाऊं क्षेत्र में ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी विशेष संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे आज के वीडियो में। आइए आपको लिए चलते हैं चौकोड़ी, जहाँ पर सातों आठों का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी दिखाई थी। इसी क्रम में चौकोड़ी में प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ साथ सातों आठों महोत्सव भी मनाया जाता है। उत्तराखंड में विशेष रूप से पिथौरागढ़ के आंचलिक क्षेत्रों में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब माता गौरी, माता पार्वती नाराज होकर मायके चली जाती हैं, तो भगवान शंकर उनको मनाने जाते हैं और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिरुड़ पंचमी में पांच प्रकार के अनाज भिगोए जाते हैं, पांच या सात प्रकार के। और दूसरे दिन होती है गौरा मैया को मनाते हैं, खेतों से हरी घास, धतूरा और अन्य प्रकार जो पौध होती है, जैसे आप देख रहे हैं पौधों से बनाई जा रही है, ये गौरा मैया हमारी तैयार हो गई हैं। जैसे बुजुर्ग बताते हैं गौरा मैया नाराज होकर आ जाती है मायके, तो ये गौरा मैया को तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरे दिन शिव जी मैया को मनाने आते हैं, तो दूसरे दिन हमारे यहाँ मैसर कहते हैं इसे, और शंकर जी होते हैं भगवान शिव जी, उनको तैयार करते हैं। तो आइए देखिए हमारे ब्लॉग सारा बने रही। आह्वान के साथ ही महेश गौरा का डोला तैयार हो रहा है और साथ ही चल रहे हैं ढेर सारे मांगल गीत, और धीरे धीरे ये मांगल गीत विलुप्त हो रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी रुचि इसमें कम दिखाई देती प्रतीत होती है, तो आने वाली पीढ़ी को भी संस्कृति का बोध हम करा सकें, इस आशय से आज का वीडियो हमने बनाया है। Thank you.
दोस्तों, जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो स्थानीय अनेक लोक कलाकार हैं जो अपना कीमती समय निकालकर ऐसे अवसर पर आते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ मिलजुल कर गायन का कार्यक्रम करते हैं। झूड़ा चाचरी हमारी विधा है और इस प्रकार के आयोजन पिथौरागढ़ के अलावा उत्तराखंड और विदेशों में भी हमारे यहाँ के स्थानीय मूल के लोग बड़ी धूमधाम के साथ धीरे हमारे जो सातों आठों पर्व के दौरान स्थानीय जन है आ रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष जी गोबू भाई सुबह से साफ सफाई और सभी व्यवस्थाओं में लगे हैं। Thank you.
देख सकते हैं आज सातों आठों का समापन है। आज जो डोले आए हुए हैं मूल नारायण मंदिर में, बहुत सुंदर देखने लायक नजारा है। आज चौकड़ी मूल नारायण कौतिक और उधर चाचरी हो रही, देख सकते हैं आगे बड़े हाल में चाचरी भी लग चुकी है। जय मूल नारायण। ये बटना का डोला है, इससे पहले न्यू बस्ती का डोले का समापन हो चुका है। बहुत जबरदस्त, बहुत देखने लायक नजारा है। बहुत खूबसूरत नजारा। क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या महिलाएं, सभी अपने अपने धुन में मग्न हैं, भक्ति भाव में विभोर हैं। कुछ आगे बड़े खाल में नृत्य में मस्त है। आज बहुत बड़ा झोड़ा चचरी का नृत्य चलता है इधर, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों ये कार्यक्रम चौकोड़ी में भटीना के अलावा हमकर के क्षेत्र में भी होता है और अनेक वर्षों के बाद इस बार की सातों आठों में हमकर किसी भी खूबसूरत डोला स्वामी मूल नारायण मंदिर तक लाया गया और बहुत ही खुशी के साथ झूमते हुए भक्तजन आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा चौकोड़ी क्षेत्र में भी एक दो स्थानों पर इस बार से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसका अपना विधि विधान है, देखिए कैसे सभी भक्तजन झूम रहे हैं।
दी है कैसे हो। आगे तो बोला, आगे तो बोला, यहाँ मिलो, टच करो टच करो। दोस्तों, मोबाइल के इस दौर में जहां शादी विवाह जैसे मांगल कार्यक्रम भी बहुत ही शॉर्टकट में होने लगे हैं, ऐसे में सातों आठों पर्व के बहाने ही सही, मेले महोत्सवों के बहाने ही सही, हमारी जो मातृशक्ति है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अनेक अनेक वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। हमारे नौनिहाल जो मोबाइल तक एक तरह से सीमित हो गए हैं, आने वाले समय में कैसे हम उनको इस प्रकार की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों से जोड़ सकें, कैसे उनकी रुचि हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित इन सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति रहे, ऐसा बार बार आयोजन यदि होता रहे तो स्वाभाविक रूप से हमारी नई पीढ़ी के नन्हे नन्हे बच्चे, आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि वे भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। झोड़ा चांचरी में जो स्टेप्स होते हैं उसका एक विशेष तरीका होता है और आप देख रहे हैं एक विशेष तरीके से सभी लोग चल रहे हैं 1 2 3 के स्टेप में। और अनेक वर्षों से जो हमारी पारंपरिक ये विधा रही है, झोड़ा चांचरी छपेली, इस प्रकार के आयोजन दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी होते हैं। हमारा चुचेर क्षेत्र है, कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़ क्षेत्र में हिल यात्रा मुख्यालय में होती है जिसमें कुमाऊँ के मेहड़ लोग लखिया भूत का स्वांग करते हैं और बहुत ही खूबसूरती से इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे जनपद पिथौरागढ़ में आयोजित किए जा रहे हैं। चौकुड़ी चूँकि विविध संस्कृति वाला एक तेज़ी से डेवलप होता हुआ नगर है, आने वाले समय में ऐसे आयोजन और भी खूबसूरती के साथ हम लोग आयोजित करें, चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का डोला हो, चाहे सातों आठों का पर्व हो, यहाँ पर होने वाला कौतिक यानी कि चौकुड़ी महोत्सव हो, ऐसे आयोजन बार बार होते रहें और हमारी नई पीढ़ी संस्कृति के प्रति सजग हो, संस्कृति के प्रति उनका रुझान बढ़े और कंप्यूटर मोबाइल के इस दौर में भी हमारी संस्कृति के जो पहलू हैं वे संरक्षित रहें, संवर्धित रहें। इसी आशय के साथ आप सभी को सातों आठों पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सभी अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। We'll be right back.
दोस्तों चौकोड़ी जो कभी यहाँ के चाय उत्पादन, यहाँ के ढेर सारे क्रियाकलापों के कारण जाना जाता था, मालदार परिवार के लोग आज यहाँ पर नहीं रहते, किंतु बहुत ही तेज़ी से विकसित होता हुआ एक ऐसा नगर जहाँ पर विविध संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग स्थानों के लोग रहते हैं। बावजूद उसके जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वे सभी एक मंच पर आकर समरसता के भाव से बहुत ही खुशी के साथ शामिल होते हैं। वर्तमान में मालदार परिवार के लोग तो यहाँ पर नहीं हैं, श्रीमती लक्ष्मा देवी जी इस आयोजन को प्रतिवर्ष करवाती हैं और स्थानीय लोग इसमें सहयोग करते हैं। दोस्तों अपने ब्लॉग के माध्यम से अक्सर कोशिश रहती है कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि की बहुत सारी मान्यताओं को, परंपराओं को, ढेर सारे पर्यटक स्थलों को, ढेर सारे मंदिरों को या इस प्रकार के कार्यक्रमों को आप लोगों के बीच ला सकूं। और इसी क्रम में ये कुछ स्मृतियां विगत वर्षों के कार्यक्रमों की हैं। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, इसी आशय के साथ हमारा ये क्षेत्र निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाता रहे, हम सभी समरसता के भाव के साथ आगे बढ़ते रहें, सब में आपस में प्रेम भाव हो, सभी मिलजुल कर रहें, हमारा ये क्षेत्र निरंतर आगे बढ़े। स्वामी मूल नारायण जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, महेश कौरा जी का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।